ये रहा पूरा मांग हमारे गांव वालों का, जहां हर सीजन घास काटा जाता है और लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये घास नीचे को गिर रहा है ना, अगर उसी तरीके से आदमी का पैर फिसला, आदमी नीचे गिरा तो हड्डी पसली तक नहीं बचेगी। आदमी मतलब इतना भयंकर खेल खेल रहा है, बस पशु के चारे के लिए ना अपनी जान जोखिम में डाल रहा है पहाड़ों में। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनोज बिष्ट और स्वागत है आप सबका हमारे देवभूमि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के विलेज लुवाणी में। और लुवाणी में तुम्हारे भाई के घर के सामने से हमेशा ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो दोस्तों, कल से जो ये मैंने भट्टी यहाँ पे, जो हमारी पहाड़ी दाल है ना, वो यहीं पे सुखाने रखी थी और मौसम इतना मस्त बना हुआ है तो इसे अंदर पैक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आज का जो नज़ारा है आप चेक कर सकते हैं, ये रहा हमारे गांव के सामने से फ्रंट ऑफ व्यू, काफ़ी खूबसूरत। आज आसमान में ना थोड़ा भी बादल नहीं है, पूरा साफ मस्त सा। और ये मक्का हमारा विद्या बोल क्या नहीं कहता दोस्तों। फाइनली प्रॉपर तरीके से हमारे गांव में धूप छा चुकी है और नजारा अभी का इतना खूबसूरत लग रहा है। एक लाइक तो करना चाहिए आपको इतने खूबसूरत नजारे और इतने खूबसूरत गांव के लिए। तो अब मैं यहां से ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, पहाड़ तो जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं निकल चुका अपने घर से काफ़ी दूर और ये पूरा हमारे गांव का ही सारी है, जहां पे कि हमारे हर प्रकार के अनाज फसल इत्यादि होते हैं, जैसे कि आलू, सटी, झंगोरा, भट्ट इत्यादि सभी इसी सारी में। क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है और ये पूरा व्यू देख सकते हैं यहाँ का, काफ़ी खूबसूरत है। और मुझे ना घास लेने उस पहाड़ पर जाना है उतने दूर, तो सोच सकते हैं यार कितने दूर जाना है। इस रास्ते से जाना पड़ेगा ऊपर 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 होते हुए सीधे वहाँ, और वहाँ मम्मी लोग जा रहे हैं घास काटने। तो ये वाला मार्ग है जिस पर मैं चल के यहाँ तक पहुँचा, और ये घनघोर जंगल, यहाँ पे गदरा भी है और आजकल तो उसमें पानी नहीं है, जब बिस्काल होता है ना तभी उस गदरे में पानी आता है। और ये ऊपर मांग पूरा घास का, पूरा हमारे गाँव वालों का है, वहाँ से लेकर ऊपर साइड तक। तो मैं भी जाऊंगा उस वाली चोटी में घास लेने, तो कितना रिस्क है वो तो वहीं जाके दिखेगा। और ये ऊपर तक पूरा देख सकते हैं, और ये ठीक ऊपर पे भद्रेश्वर महादेव जी का मंदिर, जहाँ पर कि हम सावन के महीने में पूजा करने जाते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं ठीक गदरे के वहाँ पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ चलते चलते ना काफ़ी थक गए हैं, पसीने छूट गए हैं। और अब इसके बाद लोडेड सामान जब आएगा ना तो कुछ ज़्यादा ही थक जाऊँगा। तो आप लोग सभी सोच रहे होंगे यार मैं खाली जा रहा हूँ, तो जो मेरा सुयटा है ना जिसमें मैंने घास लाना है, वो मम्मी लोग ले जा चुके हैं सुबह ही, और उन्होंने लगभग काट ही दिया होगा। तो अब सब ने घर आ जाना है और आज घास का कंप्लीट वर्क भी पूर्ण हो जाएगा इस साल का। और ये वाला बहुत ही बेकार एरिया है यार, यहाँ के बारे में बताऊँ तो पिछले साल ना एक भैया स्टॉप में घास काटते काटते गिरे थे नीचे और वहीं पर एक्सपायर हुए थे। तो उस दिन मैं भी आया था यार, बहुत ही अजीब लग रहा था यार, इस पहाड़ों में घास काटना बहुत ही रिस्क का वर्क है। उस समय ऐसा लग रहा था यार कि आग लगा देना चाहिए इस जंगल में, मतलब काम ही नहीं करना चाहिए, घास का काम ही नहीं। बट क्या करें यार, घर में जो पशु है ना उनकी पेट पूजा के लिए ना अपनी जान रिस्क में लेते हैं हमारे पहाड़ी गांव के भाई बंद लोग। जब वो घास यहां से काटेंगे तभी घास की परेशानी नहीं होगी और उनके पशु खाली पेट नहीं रहेंगे। तो सोच सकते हैं कितना रिस्क वो पशु के खातिर यहां पहाड़ों में लिया जाता है। तो चलो चलते हैं आगे। गाँव का कर लेंगे सूट। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं मांग में और अब मम्मी लोगों ने लगभग घास काट ही लिया है, तो तैयारी करते हैं घर जाने का। बट उससे पहले ना यहाँ की कंडीशन आपको दिखाते हैं कि लोग किस प्रकार से घास काटते हैं। और अभी जो हम पहुंचे हैं ना काफ़ी दूर से, तो गांव का नज़ारा वो है अभी काला काला दिख रहा है क्योंकि
धूप ठीक ऊपर पे है, तो इवनिंग में कुछ खास दिखना था इस नज़ारे ने। और ये ठीक यहाँ पे लोग पहाड़ों में घास काट रहे हैं, कितना रिस्क वर्क है, अगर किस्मत ख़राब हुई ना तो पता नहीं क्या होगा। और यहाँ पे तो चलने का ही रास्ता नहीं है, और इस रास्ते से ना घास लाना पड़ता है इधर उधर। तो यार आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि पहाड़ों में जीवन कितना कठिन है। जोर लगा के बड़ो जिगर से भाई क्या सदा ने कैसे नेचुरल यू के यू पत्ता आयुर्वेदिक दवाई मैं क्या पता के मैं काम आनी हो हाथ में मैं खुद मत जाना घास के साथ घास पूरा नीचे ढह गया है, तो अगर इंसान के पैर भी फिसलन तो इंसान भी ढह जाएगा यहाँ से नीचे स्लिप। तो दोस्तों यहाँ पर ना अभी लोगों ने घास नहीं काटा है, तो इस वजह से रास्ता ही नहीं है यहाँ पूरा। अभी अगर जैसे लोग घास काट देंगे ना तब जाके थोड़ा मार्ग बनेगा अच्छा, तब जाके हम यहाँ पर चल पाएंगे। पूरा ये लोगों का घास का अगर यहाँ पर फिसलने का चांस बनाना तो फिर तो बहुत ही रिस्क है यार। नीचे बहुत ही भयंकर खाई, निश्चित बहुत भयंकर चोट या कुछ भी हो सकता है, जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। अब मुझे यहाँ से ना क्या से बताओ यार, अभी ऐसी हालत हो रही है तो सोचो जब मैं घास पर सुइया टालाऊंगा तो तब कैसी हालत होगी मेरे जाने। बेटा चोट भी लग गई है इसकी जगह। तो मैं पहुंच चुका अपने मांग में, और ये पूरा हमारा ही मांग है जो ये कट रखा है ना, तो ये घास के पो बना रखे हैं छोटे छोटे, और ये है सोयाटा, एक मेरा एक मम्मी का, और यहाँ से ऊपर तक है हमारा। तो यही वाला घास हमें घर ले जाना है, तो मार्ग तो आपको पता ही है कैसा है, तो देखना वापसी के कंडीशन में कैसा बनता है हमारा कंडीशन। तो ये हमारा सिट्टू भी यहाँ रखा है, सिट्टू सिटू आजा 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 आजा, ये मम्मी लोगों के साथ आया होगा ना यहाँ।
तो ये रेडी हो चुका है मेरा भार। तो दोस्तों, खड़ी चढ़ाई इतनी भयंकर थी ना कि जो ये रस्सी है इससे ना पूरा मतलब इधर दर्द करने लग गया था, छाती तक दर्द। ऐसा लग रहा है कि यार प्राण जाने वाले हैं, इतना भयंकर टफ वर्क है, इतना परेशान और इतना दर्द होता है यार। पर क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा कि यार अब सल्यूशन क्या है हमारा कि हम इन दर्दों से बचें। रास्ता ही नहीं है यार। क्या है ये? कैसे? इस जानवरों के लिए ना आफत पाल रखी है हमने घर में। जो भैंस है ना वो आफत। चल सिट्टू, ये हमारा कुत्ता, इसको बोलते हैं सिट्टू। चल तो दोस्तों, वापसी में हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये तुलसी और ये मेरा भार का आज ना बहुत भारी हो रहा है यार। तुलसी तुम्हें हो रहा? तुम्हारा तो ड्रोन ड्रोन भी ले जा रखा था मैंने। बल्द आ गया, एक बैल आ गया वहाँ पे। तो दोस्तों, लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना भारी बोझा हो रहा मेरा, मतलब प्राण निकल रहे हैं मेरे, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही कि यहाँ से घर जाऊँ। एक बैल भी रास्ता शॉर्टकट मार दिया उसने। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बोझा है ना, जिसे इसमें आग लगा दूं या इसे नीचे फेंक दूं कहीं, पता नहीं यार। पहाड़ों में मतलब बहुत गंदी लाइफ पहाड़ की। आई हेट तो फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच चुका घास लेके घर पे। और आफत जो आई ना आज बहुत ही भयंकर। तो ये सिट्टू भी आ चुका है, हमारा डॉगी। ये वहीं हमारे साथ गया था, पर ये ना कभी कुछ लाता नहीं, एक बोतल के काम का भी नहीं है, बोतल तक नहीं ला दे रहा। एक दो अगर पुल ये ला देता ना घास का तो कितना मजा आ जाता है ना। सिटू यहाँ देख, घास क्यों नहीं लाया हैं? घास क्यों नहीं लाया? अब बस इसको खाने को चाहिए खाली। तो दोस्तों, अभी का टाइम 3:30 बज चुका है और अभी मैं पहुंच रहा घर। तो चाचा लोगों ने अपने भैंस को बाहर निकाल दिया, तो आज हमारी भैंस और बकरी तो काफ़ी भूखी होगी और गुस्सा होगा उनका चरम पे। ओहो, ये देखो उसकी आंखें कितनी बड़ी हो रखी है गुस्से से, क्योंकि दिन भर ये बेचारे अभी भूखे हैं और पानी तक ये सीधे मेरे को मारने को तैयार है अब तो। ककड़ी ककड़ी ककड़ी, पहाड़ी ककड़ी देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का रहा आज का कठिन वर्क, कठिन दिन। तो फिलहाल हम पहाड़ी ककड़ी का आनंद ले रहे हैं। अब तो ककड़ी बहुत कम बची हुई है, एक आध बची हुई है, तो पता नहीं मम्मी ने रखा हुआ था एक, तो उसका आनंद लेते हैं। और वाइफ जी अभी भात बना रहे हैं, तो चलो ककड़ी का स्वाद चखते हैं हम फिलहाल। तो दोस्तों, रात भी हो चुकी है और अभी का जो टाइम है वो 8 भी बज चुका है। और सेटर मैंने डाउन कर दिया क्योंकि ना टाइम ज़्यादा हो गया है और मैं बहुत मतलब थक गया था दिन में ना, तो मैं 6 बजे उठा यार आज ना। मतलब जब से मैंने काम किया ना, तो आज का जो मेरा बोझा था ना लाइफ में, पहली बार मुझे इतना भारी फील हुआ, इतना हार्ड लगा काम हमारे पहाड़ों का, तो क्या बताऊँ यार। तो अब खाने खोने की भी तैयारी करते हैं और चलते हैं अपने किचन में। तो मम्मी, तुलसी लोग, तो वो लोग भी थके हुए हैं, तो खाने में क्या बन रहा है या ऐसे ही काम चल रहा है, तो चलो देखते हैं।
तो आज के दिन का अस्त व्यस्त जीवन में अभी मैं पहुंच चुका किचन में, और ऊपर जो हमारा खाओ है ना वहाँ पे मम्मी और बहन लगे हुए हैं दाल की छटाई करने में। जो पंखा है ना उसकी मदद से मम्मी भट्ट में जो मिट्टी वगैरह है ना उसे अलग करके, जो फ्रेश भट्ट है ना हमारा, जो फ्रेश दाल है उसे कट्टे में भर के अपने खाने योग्य मतलब एकत्रित कर रही है, और किचन में तुलसी खाना बना रही है यानी रोटी बना रही है। तो इसके बाद रोटी खाएंगे। तो आज के दिन का थकान भरा और किस तरीके का वीडियो रहा कृपया आप लोग कमेंट करें। तो वीडियो की एंडिंग भी यहीं पर कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।